हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अच्छा है वही तो मेरे वीडियो को देखेगा, जिन लोगों की तबीयत ख़राब ही है वो तो नहीं देखेगा। तो प्लीज़, ठंड बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं तो ठंड है भी नहीं। और ठंड का क्या है, कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी रात को गर्मी लगने लगती है, कभी जो एकदम मॉर्निंग में 5 बजे या 4 बजे बहुत कुहासा गिरने लगता है। ऐसे में सभी लोग अपने सॉक्स, गर्म कपड़े सब लोग पहन लेते हैं, तो सबके तरफ का ठंडा वाला हाल कम ज़्यादा है ही। तो ऐसे में सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी है, जूती वगैरह भी पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो इसी पे है, सॉक्स और जूती, और वही मैं दिखाई हूँ। रियल है, बिल्कुल बिल्कुल भी वीडियो बनाने के लिए नहीं है फ्रेंड्स, और रियल मैं दिखाऊँगी आज आपको कि मैं कौन सी ठंड में सॉक्स पहनती हूँ। सॉक्स तो आप देख ही रहे हो, यही पहनती हूँ। जूती आपको दिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में, और जूती पहन के मैं चल के भी दिखाऊँगी आपको, अपने मौसम का हाल भी दिखाऊँगी। कितना कुहासा मेरे तरफ गिर रहा है, मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा कुहासा गिर रहा है, कुछ भी घर अगल बगल नहीं दिख रहा है। और ऐसे में मैं ये वाली सॉक्स और अपनी ब्लैक कलर की एक जूती पहन रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग की तरफ ठंड कैसा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग कहाँ से हैं वो भी बता सकते हैं, और उधर कैसा ठंड है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी जूती, और इस जूती को मैं ठंड में पहना करती हूँ। तो ये थोड़ी सी कुछ दिन पहन ली हुई है, और आज मैं आप लोगों को ये वाली वीडियो दिखा रही हूँ। वैसे तो एक और मेरे पास जूती थी, बट वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बनाई हूँ। और पिछले साल भी मैं नहीं बनाई थी ठंड में, लेकिन ये वाले की मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ। तो ये भी कुछ पुरानी ही है, और लेकिन मैं इसको ना हमेशा पहन रही हूँ घर में, तो इसलिए सोची कि आज मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये 10 नंबर की है, यानी कि 10 नंबर साइज़ की ये जूती है, और देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर की है और बहुत ही हल्की भी है। तो इस टाइप की ये जूती है, इस पे रेड कलर का थ्रेड किया हुआ है, थ्रेड धागे से किया हुआ है, इस टाइप से 4 लाइनें खींची हुई हैं। और आप देख लीजिए कि ये किस तरह का है, बिल्कुल भी हील वगैरह नहीं है, और लंबी भी है ये, 10 नंबर साइज़ की, यानी बड़ी जूती है, आपको तो दिख ही रहा होगा, लंबी भी है। और जो सामने से है ना वो चौड़ी भी है थोड़ी सी, थ्रेड का वर्क रेड कलर का है, जो कि काफ़ी सुंदर लुक इसको दे रहा है। और ये जो जूती है ना, उसमें एक अजीब सी ही साइन भी दिख रही है, मतलब चमक है इसमें। और ये जो जूती है काफ़ी ज़्यादा हल्की है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, पहनने के बाद ऐसा लगता है कि मैं बस उड़ रही हूँ। बहुत हल्की है, मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और बहुत लचीला भी है। इस टाइप की जो शूज़ होती है ना, बहुत हल्की होती है, इसके ये फ़ायदे हैं कि आप पहन लो तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ भारी भारी पहना है, आराम से आप चल फिर सकते हैं। और इसको धोना भी आसान रहता है, कि जब जैसे गीला वगैरह हो गया पानी वगैरह का काम करने से, तो आप इसको धुल के छत पर डाल दीजिए, धूप में डाल दीजिए, तो ये जल्दी से सूख भी जाती है। तो यहाँ पे मैं ये वाली जूती पहनकर आपको दिखा रही हूँ, साथ में मैंने पहना हुआ है हैवी एंकलेट्स, जो कि आप लोगों का कमेंट था कि मैं हैवी एंकलेट सॉक्स के साथ पहनकर दिखाऊं। तो वैसे ये वाली सॉक्स की वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग देख लिए हैं। तो ये वाली सॉक्स के साथ ये वाली हैवी एंकलेट्स मैं पहन ली हूँ। पहनने के बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये वाली थोड़ी सी फंस रही थी, मतलब कि थोड़े बहुत अगर तार वगैरह निकले रहते हैं तो सॉक्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से पायल के घुंघरू टूटने का डर रहता है। जैसा कि मेरी चांदी की पायल इसी क्रम में टूट चुकी है, 6 घुंघरू टूट चुके हैं, और अभी तक वो बनी नहीं है, तो इसको भी मैं खोना नहीं चाह रही थी। तो ये उसी तरह से फंस गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब ये भी घुंघरू ना निकल जाए, बट मैं इसको आराम से निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी कि ये निकल जाए, बट क्या बताऊँ ये तो निकली ही नहीं, इसलिए मैं इसको फिर छोड़ देती हूँ कि ठीक है ऐसे ही रहे, मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे वीडियो बनाना था। तो देखिए, मैं ऐसे ही छोड़ दी, और आप लोग के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जूती किस तरह का है, पहनने के बाद कैसा लुक मिलता है। पहनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का लुक मिलता है। मैं अक्सर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना आज का वीडियो, वो बिल्कुल ही रियल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो शूज़ है ब्लैक कलर का है, इसमें एक साइन है जो कि सिल्वर कलर की साइन दिख रही है आपको, चमक रही होगी जूती, है ना, देखिए बहुत, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये कितनी खूबसूरत साइन कर रही है। और ऐसे तो मैं उतना ध्यान नहीं दी थी, लेकिन जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तब मैंने ध्यान दिया कि अरे वाह, ये तो साइन करने वाली जूती है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसको पहनने के बाद इतना ज़्यादा मैं कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रही थी। एक और जो जूती मैं आपको दिखाई, जो अभी फ्लिपकार्ट से मैंने बेलीज़ की जूती ली है, वो मैंने 10 नंबर साइज़ ली है, बट वो मुझे ना टाइट हो रही है,
और मैं उसमें उसको पहनने के बाद कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ। और उसमें मुझे ना टोज रिंग नहीं पहनना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं टोज रिंग पहनती हूँ तो मेरा पैर बहुत दर्द देने लगता है, इसलिए मैं केवल जुत्ती पहनती हूँ। तो देखिए ये मौसम कैसा है, और इस मौसम में मैं यहाँ सॉक्स पहनी हूँ और जुत्ती भी पहनी हूँ। और जैसा कि मैं बताई फ्रेंड्स कि सॉक्स के साथ पायल पहनने से मेरी घुंघरू टूट चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे पायल नहीं पहनी हूँ। और यहाँ देखिए मैं अपने घर से निकली थी, और यहाँ चूल्हा जलता है, पानी गर्म होता है, और हम लोग हाथ भी सेकते हैं, तो बस यहाँ नहाने वगैरह के लिए पानी वगैरह गर्म होते हैं। तो यहाँ देखिए फिर मैं एक दिन पहन ली थी इस जुत्ती के साथ पायल। कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं पायल पहन लेती हूँ, और घुंघरू तो टूटने थे वो तो टूट ही गए हैं इस मेरी चांदी वाले पायल के। अभी जो आपने शुरू में देखा ना वो आर्टिफिशियल पायल थे, ये जो आप देख रहे हो ना ये चांदी की पायल है, और ये दूसरी डिज़ाइन की पायल है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना कि पहली ही वाली पायल, मैंने आपको इस वीडियो में दो पायल आपको दिखा दी, एक पहले शुरू में और ये चांदी की मेरी पायल है। तो अभी आप जो देख रहे हैं वो मेरी क्रीम कलर की साड़ी के साथ आप ये देख रहे हैं, इसके पहले जो आपने देखा वो आप देखे हैं ग्रीन कलर की साड़ी के साथ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चल के आपको दिखा दे रही हूँ कि ये जुत्ती पहनने के बाद साड़ी वगैरह के साथ मैं ऐसे ही काम वगैरह करती हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, घट रही है, आपको तो मैं बताई ही। कभी बहुत तेज़ कुहासा गिरता है तो पैरों में ना ठिठुरन जैसी होने लगती है। ऐसे में अगर मैं स्लीपर पहने रहूँ तो हवा अंदर बहुत तेज़ी से जाता है और पैर गलने लगते हैं। तो मैं हमेशा जुत्ती पहन के रहती हूँ। जैसे ही मतलब शाम होता है, जैसे ही सूरज ढलता है, हवाएं चलती है, तो शरीर में ठिठुरन होती है, पैरों में भी हवा जाता है, तो पैर गलने लगता है, ठंड लगने लगता है। लगता है कि बस जल्दी से सॉक्स पहन लो। अगर सॉक्स पहने हुए भी हैं तो मुझे लगता है सॉक्स पहनने के बाद जल्दी से शूज़ पहन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं सॉक्स पहनती हूँ ना उसके बाद मैं जूती पहन ही लेती हूँ। इससे क्या है मेरे पैर भी सेफ़ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और आराम भी मिलता है। और मेरी जो अगर एड़ियाँ थोड़ी बहुत फटी हुई है या थोड़े से रूखापन बेजान है, तो मैं जब भी पहनती हूँ ना सॉक्स, उसके पहले वैसलीन या बोरो प्लस या पेट्रोलियम जेली लगा लेती हूँ, उसके बाद सॉक्स पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं ये जूते पहन लेती हूँ। तो ये जस्ट शाम का लुक है फ्रेंड्स। उसके बाद यानी शाम को मैं इस टाइप से ही करती हूँ, और मॉर्निंग तक मैं अपनी जूती पहनी रहती हूँ। और जब जैसे कि नहाने वगैरह का टाइम हो जाता है, सब कोई बच्चे लोग नहाने के लिए या फिर मुझे ही, तब उस टाइम पानी वाला काम करना है, तो उस वक्त मैं अपने शूज़ और सॉक्स खोल के रख देती हूँ, और उसके बाद में जो स्लीपर पहनती हूँ वो स्लीपर पहन लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम वगैरह करती हूँ, और दिन भर मैं बिना शूज़ के रहती हूँ। ये देखिए ये फिर एक और नेक्स्ट डे का है अगले दिन, और यहाँ देखिए फिर से कुहासा बहुत तेज़ है, और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ चलते हुए। वो कल शाम की वीडियो थी इसी साड़ी के साथ, अभी मैं मॉर्निंग का दिखा रही हूँ कि देखिए मैं छत पे जा रही हूँ, पायल पहन के जा रही हूँ, और यहाँ देखिए सीढ़ियों से मैं जा रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा कुहासा है, काफ़ी ज़्यादा। आपको दिखा दूंगी एक दिन का और मैं दिखाई, फिर आप देख लीजिए कि कितना कुहासा है। मैं अपने छत पे आ चुकी हूँ, यहाँ पे तो मेरे पैरों पे रोशनी लग रही है। और आपको बता दूं कि ये जो टाइमिंग थी ना 9 बज रहे थे 8 या 9, और चारों तरफ कुहासा गिर रहा था। ये देखिए कितनी ज़्यादा कुहासा गिर रहे हैं कि अगल बगल का कुछ भी नहीं दिख रहा है, धुंध इसको बोलते हैं, और बहुत तेज़ कुहासा था, है ना। और ऐसे में शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एड़ियाँ तो फटती ही है, ठंड भी लग जाएगा, उसके बाद इंसान बीमार होके बेड पे। इसलिए ये सारी चीज़ें ठंड में पहन के रहनी चाहिए, तो मैं हमेशा पहन के रहती हूँ। और सोची कि आप लोगों को भी अपने छत से अगल बगल का नज़ारा दिखा दूँ कि हमारे तरफ कितनी ज़्यादा ठंड है। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये मेरी शूज़ कैसी लगी, पायल कैसी लगी, और ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए न्यू वीडियो के अपडेट के लिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और बहुत पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं ना, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के पसंद की वीडियोस बनाने की, और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरे वीडियोस को
पूरा देखा करिए, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी देते रहती हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।